सत श्री अकाल सारिआं नूं। अज दीआं ताज़ा ते वड्डीआं खबरां। पहली खबर, हुण नहीं आवेगा लोकां दीआं बरूहां ते आटा। माण सरकार ने घर घर आटा वंड स्कीम लई वापस। तां तुहानूं इत्थे दस दईए, पंजाब दी भगवंत मान सरकार वल्लों घर घर आटा वंडण दी स्कीम उपर NFSA डीपू होल्डर वैलफेयर एसोसीएशन 355 वल्लों पाई माणयोग हाई कोर्ट विच रिट दी 17 अक्तूबर 2022 नूं मुड़ सुनवाई सी, पर माण सरकार ने अज फैसला वापस लैंदिआं उक्त स्कीम नूं हाई कोर्ट चों वापस लिया, जिस नाल पंजाब भर दे डीपू होल्डरां दे विच खुशी दी लहर दौड़ चुकी है। तां माण सरकार दा कहना है कि आउण वाले टाइम दे विच तब्दीली कीती जावेगी स्कीम नूं लै के। अगली खबर, आईफोन 11 हुण मिलदे है 16,000 रुपये तों घट कीमत च। तां दस दईए, आईफोन दी खूबसूरती अजिही है कि हर कोई इस नूं खरीदना चाहुंदा है, पर आईफोन दीआं महंगीआं कीमतां नूं देखदे होए लोक इस नूं खरीदण ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ 11 ਹੁਣ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ 11 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगली खबर है पंजाब दे सरकारी दफ्तरां च 19 अक्तूबर तक नहीं होणगे काम। पंजाब दे सरकारी दफ्तरां विच 19 अक्तूबर तक नहीं होणगे काम। दफ्तरां विच पहलां ही 10 अक्तूबर तों रुके काम हुण 19 अक्तूबर तक नहीं होणगे। पंजाब सरकार दे दफ्तरी कामियां ने अपनी जिहड़ी हड़ताल है 19 अक्तूबर तक वधा दित्ती है, इस लई लोकां दी खज्जल खुआरी हुण जारी रह सकती है, क्योंकि पंजाब दे सरकारी दफ्तरां दे विच जिहड़ी हड़ताल है उह हुण 19 अक्तूबर तक होर वधा दित्ती गई है। तां गल करदे हां अगली खबर है 9 घंटे दी पुछगिछ तों बाद ससोदिया दा दावा आप छड्डण लई पाया गया दबाव, CBI ने किया पलटवार। तां दस दईए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो CBI ने सोमवार यानी कि 17 अक्तूबर नूं करीब 9 घंटे पुछगिछ की। इस तों बाद उन्होंने एजेंसी ते गंभीर दोष लगाए ते भाजपा ते निशाना भी साध्या। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि CBI हैडक्वार्टर विच उन्हां नूं एक पासे लिजा के आम आदमी पार्टी छड्डण लई दबाव बनाया गया है। अगली खबर की गल करदे आ, प्याज होवेगा महंगा, दिवाली तक 50 रुपये तक पहुँच सकता है प्रति किलो। त्योहारी सीजन तो पहला दुध तो बाद हुण प्याज दीआं कीमतां भी रसोई दा बजट बिगाड़ सकदियां। कई महीने स्थिर रहण तो बाद प्याज दीआं कीमतां मुड़ वधण लगियां अते दिवाली तक 50 रुपये तक पहुँच सकता है। अक्तूबर के शुरू विच प्याज दा थोक मुल 25 रुपये किलो सी, परंतु हुण कई थावां ते इह 40 रुपये प्रति किलो दे हिसाब नाल जिहड़ा हो चुक्या है। तां दिवाली तक जिहड़ी इस दी कीमत है तां उह 50 नूं पार कर सकदी है। तां त्योहारी सीजन ते प्याज महंगा हो सकदा है। अगली खबर, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करस वैलफेयर बोर्ड नाल संबंधित वक् वक् भलाई स्कीमां लई किरतियां नूं रजिस्टर्ड होना लाजमी। तां दस दईए, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करस वैलफेयर बोर्ड नाल संबंधित वक् वक् भलाई स्कीमां लई किरतियां नूं रजिस्टर्ड होना लाजमी है। शगन स्कीम, वजीफा एक्सक्रेसिया, मुफ्त इलाज, पेंशन वर्गियां स्कीमां दा लाभ लैण लई उसारी किरती करवाउण अपने आप नूं रजिस्टर्ड, तां उस तों बिना जिहड़ा किसी भी स्कीम दा लाभ नहीं दित्ता जाएगा। तां पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जिन्हें भी वर्कर ने तां उह अपने आप नूं रजिस्टर्ड जरूर करवा लैण। अगली खबर, CNG PNG दीआं कीमतां घटियां, वैट 'च कीती गई 10% दी कटौती। तां दस दईए, सरकार ने 17 अक्तूबर नूं CNG ते PNG ते वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट घटाउण दा ऐलान कीता सी। इस दा ऐलान करदिआं गुजरात दे मंत्री जीतू बगानी ने कहा कि दोवां ते 10% दी कटौती कीती गई है, ते इस दे अनुसार हुण अहमदाबाद दे विच औसत CNG 83 रुपये, गांधीनगर विच 82 रुपये ते वडोदरा दे विच 81 रुपये लगभग हो चुकी है। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
गल करते अगली खबर की। कनेडा ने 1,80,000 इमीग्रेशन बिनेकारा नूं दित्ती राहत। कनेडा सरकार ने लगभग 1,80,000 टैंपरेरी अते परमानेंट रेजिडेंट्स के बिनेकारा लई मैडिकल जांच तो छोट देण दा ऐलान कीता है। यह सहूलत उन्होंने लोगों को दी गई है जो पहला ही देश में मौजूद हैं। कनेडा की इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप मामलों बारे मंत्री सॉन फ्रेजर ने ट्विटर से इसका जिहड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कनेडा में पहला ही रह रहे टैंपरेरी अते परमानेंट रेजिडेंसी लई अर्जी देने वाले नूं निश्चित मापदंडा दे विच जिहड़ी छोट दित्ती गई है। तो हुण 1,80,000 इमीग्रेशन जिहड़े ने उन्हां नूं राहत दित्ती है। अगली खबर, पीएम मोदी फौज के जवानों नाल मनाउणगे दिवाली। 21 अक्तूबर नूं जाणगे केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 अक्तूबर नूं उत्तराखंड दौरे ते जाणगे। प्रधानमंत्री 21-22 अक्तूबर नूं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करनगे अते इसके नाल ही पुनर निर्माण कामों की समीक्षा करनगे। प्रधानमंत्री 24 अक्तूबर नूं फौज के जवानों नाल दिवाली मनाउणगे। दस दिए कि प्रधानमंत्री बनने तो बाद नरेंद्र मोदी फौजियों दरम्यान ही दिवाली मनाउंदे आए रहे। तो इस साल भी पीएम मोदी फौज के जवानों नाल जिहड़ी दिवाली मनाउणगे। गल करदे आं अगली खबर की। संसद मैंबर सिमरजीत सिंह मान नूं जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनपुर च रोकिया, कहा दाखले की इजाजत नहीं। संगरूर तो संसद मैंबर अते अकाली दल अमृतसर के मुखी सिमरजीत सिंह मान नूं जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के लखनपुर के प्रवेश द्वार से रोक लिया। सिमरजीत सिंह मान ने जम्मू जाना सी पर उन्होंने लखनपुर विखे रोक लिया। सोमवार रात करीब 8 बजे सिमरजीत सिंह मान नूं जिहड़ा रोकिया गया। तो यह सन अज दीआं ताज़ा ते वड्डीआं खबरां। धन्नवाद।